हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताऊं बहुत ही कमाल की कुछ हिडन टिप्स बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी की, या भी बोल सकते हैं सीक्रेट फीचर बताने वाला हूं, जिससे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी को जो यूजेस करने का है बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस ले पाएंगे। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऑडिशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की राइटिंग। दोस्तों होता क्या है, हमें जब भी नोटिफिकेशन को एक्सेस करना होता है तो हम यहाँ से नीचे तरफ करते हैं तो हमारा नोटिफिकेशन जो आता है, यहाँ से भी करेंगे तो भी नोटिफिकेशन ही होता है। बट जब हमें क्यूब पैनल या फिर जो क्यूब पैनल की सेटिंग्स होती है ना उसको लेना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यू करना पड़ेगा, फिर जाके हम इसको एक्सेस कर पाते थे। तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही इजिली क्यूब पैनल को ये एक्सेस कर पाएंगे सिंपल क्लिक से। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना अपने मोबाइल के गुडलक वाले मॉड्यूल में, लॉगमा मॉड्यूल में जाने के बाद आपको जाना है क्यूब स्टार वाले ऑप्शन में चले जाना है। क्यूब स्टार वाले पैनल में जाने के बाद आपको करना क्या है, नीचे ऑप्शन मिलेगा क्यूब सेटिंग इंस्टेंट एक्सेस करके, बट ये अभी आपके मोबाइल में लाइव नहीं चल रहा हो क्योंकि इसको ऑन करने के लिए पहले आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन में आना है, यहाँ जाना है आपको इस पे एडिट पे, यहाँ जाने के बाद आपको जाना है क्यूब सेटिंग इंस्टेंट में और आपको इसको ऑन कर लेना है। अगर इसको ऑन नहीं करेंगे तो वो सेटिंग ऑन नहीं होने वाली, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद वापस आप आएंगे अपने क्यूक स्टार वाले उसमें, अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब आपको कहाँ उनसे ग्रेड में कहाँ तक करना है, तो लाइक मैंने ऐसा सेट आउट कर लिया, 51% पे नोटिफिकेशन है और 49 पे क्यूक सेटिंग है। अब क्या होगा, जब भी मैं यहाँ से स्वैप करूंगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगी और इस तरफ से स्वैप करूंगा तो मेरा क्यूक पैनल ओपन हो जाएगा। तो ये कमाल की सबसे पहली आपको हिडन सेटिंग बताई मैंने। उसके बाद बात करें सेकंड जो फीचर की, वो भी बहुत ही कमाल का, वो भी क्यूब पैनल को लेके। दोस्तों क्यूब पैनल पे आपको इतने से ही दिख रहे हैं पर क्यूब पैनल बहुत सारी होती है, क्यूब सेटिंग्स बहुत सारी होती है जिनको हमें एक्सेस करना हो, तो उसके लिए भी आप एक कमाल का फीचर यूज कर सकते हैं। वापिस आपको यही जाना है मॉड्यूल में, यहाँ मॉड्यूल में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर इसके अंदर, उसके अंदर जाना है आपको चेंज क्यूब सेटिंग बटन में और आप इसको नैरो पे क्लिक कर देना ऑन करने के बाद। अब क्या होगा, इतनी सारी आपकी नोटिफिकेशन इसके अंदर ऐड ऑन होगी जो कि पहले कम आ रही थी क्यूब सेटिंग के अंदर, आप यहाँ पर बहुत सारे ऐड कर सकते हैं इसको इजीली, क्योंकि लिए आप कभी भी यूज कर पाएंगे। तो सेकंड जो फीचर है वो ये है। अब बात करें थर्ड फीचर की, वो तो और ही कमाल का है। दोस्तों होता क्या है, मान लो हम किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेते हैं, लाइक ये मेरा पेज है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर जो हैशटैग वाला ऑप्शन मिलता है ना, आपको इस हैशटैग वाले का ऑप्शन को यूज करना है और अलाउ पे जाके हैशटैग डाल देना है। तो आपको रिलेटेड हैशटैग खुद ही बता देगा, आपको जोन सा भी उसमें भी रिलेवेंट या जो आप लगाना चाहते हो आपको उस पर क्लिक कर देना है और जितने भी आप लगाना चाहो तो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने ये 2 लगा दिया और उसको यहाँ पर सेव आउट कर दिया। अब इसका फायदा क्या होने वाला है, जब भी आपको इसको फाइंड करना हो ना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सीधा अपनी गैलरी में जाएं या सर्च में जाएं, सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पर वही जो आपने वहां पर लगाया था क्यूब स्टार करके सर्च मारेंगे तो आप डायरेक्टली अपने स्क्रीनशॉट को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जब भी आप स्क्रीनशॉट लें उसका एक हैशटैग डाल दें ताकि आप इजीली उसको क्यूबली यूज कर सकें। दोस्तों यही कुछ हिडन फीचर्स जो कि मैंने आपको बताया, हिडन टिप्स थी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।